audio jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सब फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम ड्राइव पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीप जंपर स्पोर्ट प्लस। जी हाँ, ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है। बेसिकली जीप ने थोड़े फीचर्स ऐड किए हैं स्पोर्ट्स में। फ्रंट में आपको ट्रेडिशनल मिलती है 7-स्पोर्ट ग्रिल जीप की, और जंपर से बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रोड्यूस की गई है, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट SUV है बेसिकली, और काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी इसकी है मार्केट में रिस्पांस। हैरियर के बाद भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, और मुझे भी कंपस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यह स्पोर्ट प्लस, इसमें बड़े सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड हुए हैं, एक न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलर, मैं आपको बताऊँगा आगे। फ्रंट में आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं कन्वेंशनल हेडलैम्प्स विद फॉलोमियम हेडलैम्प्स एंड DRLs। इसका टायर साइज है 225/60R16। जी हाँ, 16 inches के अंदर आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स। फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिलती है डिस्क ब्रेक्स। कंपस की बैजिनस साइड में ORVM सिस्टम दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है। जी हाँ, इसमें कोई भी आपको कीलेस एंट्री या पुश बटन नहीं मिलता, क्योंकि बेस एक तरफ से बेस ही मॉडल है, बेस से ऊपर वाला कह लीजिए। और आप देख सकते हैं इसमें टोटल मॉडल्स मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट जो बेस है, फिर स्पोर्ट प्लस, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल, लिमिटेड, लिमिटेड ऑप्शनल, लिमिटेड प्लस, 4x4 और 4x2 दोनों में अवेलेबल है। रेयर में आपको मिलती है इस मॉडल में कन्वेंशनल टेल लैम्प्स, काफ़ी अच्छे लगते हैं जीप की ब्रांडिंग, और डिफॉगर हो गया जो भी, मतलब ब्रेक लाइट वगैरह। ऊपर आपको शार्पफिन एंटीना नहीं दिया गया, सिंपल ही एंटीना है, और आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है जीप रियर से मुझे लगती है, और बेसिकली काफ़ी अच्छी है, अपीलिंग है। अगर आप इसे किधर भी, मतलब बीच में रोड में या फिर पार्किंग में पार्क कर देना, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है जीप, इससे अच्छी बात है। आप देख सकते हैं बूट स्पेस, हाइड्रोलिक बूट है, 438 लीटर सिस्टम आपको मिलती है बूट स्पेस। जी हाँ, रियर सीट्स फोल्ड हो सकती है अगर आपको तो बूट स्पेस इंक्रीज करनी है। बूट लैंप आप देख सकते हैं हेलोजन है, और भी काफ़ी कुछ मिल जाता है आपको तो रियर में, मतलब एक तरह से स्पेयर व्हील स्टील है, टूल किट, और साइड में स्पेस मिल जाती है रखने के लिए, मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं इधर थोड़ी बहुत आप स्पेस वगैरह देख सकते हैं, स्पेयर व्हील स्टील है। जी हाँ, साइज भी सच छोटा है। बात करते तो उसे सेफ्टी फीचर्स से जो इनमें ऐड हुए हैं, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है, टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स है जो इससे इनका लिमिटेड प्लस है। रियर डोर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी है जीप की, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। जैसे आप इसे डोर खोलते हैं, 4 स्पीकर्स आते हैं विंडोज, और यहाँ पे आपको तो रियर में जो मिलते हैं लेदर की फिनिश मिलती है इस पर डोर पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। लॉक अनलॉक की कह लीजिए, 1 लीटर बोतल होल्डर ऑल डोर्स पे जीप ने प्रोवाइड कराया है। फैब्रिक अपोल्स्ट्री है ब्लैक कलर में, हेडरूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, शोल्डर रूम अच्छा है, थाई स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इस रियर सीट्स पे। और मैं आपको तो बता रही थी उसकी जो लाइट्स है ना, वो टच सेंसिटिव है, काफ़ी अच्छी है। हेडरेस्ट आपको तो रियर में एडजस्टेबल है, रियर और फ्रंट दोनों एडजस्टेबल है। मिडल रो पे आप मिडल सीट में आपको तो जो हेडरेस्ट नहीं मिलता, आर्मरेस्ट में आपको तो 2 कप होल्डर्स जीप ने प्रोवाइड कराया है। आपको रियर में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और एक USB सॉकेट मिलता है, दिखाता हूँ मैं आपको, और AC वेंट्स, काफ़ी अच्छी बात थी। इसी जो लाइट है मैंने बताया था टच सेंसिटिव है, आप देख सकते हैं हेलोजन है, अच्छा फीचर है। और आप इसे रियर से फ्रंट है डैशबोर्ड, काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट में आपको कोई भी कीलेस एंट्री नहीं है इस वाले मॉडल में, और इधर आपको सारी विंडो से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर विंडो 1 टच है, मीन्स ऑटो है, और बाकी 1 लीटर बोतल होल्डर और सारी चीज़ें। इससे जो अनलॉक लॉक की जो हैंडल, मतलब की है ना, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे जीप ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, यही इसे स्पेशल बनाती है। इसी में बात करता हूँ, अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो है 60 लीटर्स की। इसमें आपको मिलती है मैनुअली सीट एडजस्टिंग, जैसे मैंने अभी लेग रूम इंक्रीज किया, ऐसे आप लंबर स्पोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं, इसे आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे आपको सूट करे। अब चलते हैं इसके अंदर,
अब हम आ चुके हैं जीप ट्रम्पस स्पोर्ट प्लस के अंदर। आपको स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड पे मिलते हैं MID के कंट्रोल्स, राइट साइड पे आपको डमी बटन्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के पीछे आपको मिल जाते हैं सेंसोमेंट क्लस्टर, बीच में MID है। काफ़ी अच्छी सी एनिमेशन थी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मुझे इससे लगता है कलर से काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप फीचर्स देख सकते हैं, जैसे आप इससे मतलब आपको हर चीज़ इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है जो भी आपको जाना है, माइलेज देख सकते हैं आप कुछ भी इसमें, आपको बेसिकली सारे फीचर्स है। स्पीड भी दारा राइट साइड पे स्पीडोमीटर है, लेफ्ट साइड पे ओडोमीटर है या RPM मीटर जो भी कह लीजिए, काफ़ी एक अच्छी बात है। और ये बड़ा कुछ आप तो बताते हैं जैसे ट्रिप डिस्टेंस टू MT, कितनी पावर, बैटरी के बारे इन्फॉर्मेशन, स्पीड। और आप मैं इसे जैसे कर सकते हो, आप मैं देख रहा हूँ, मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई भी मैसेजेस सर्विस रिगार्डिंग कोई FM स्टेशन जोन से आप यूज़ कर रहे हो। और भी बड़ा कुछ इसे लेंथ है 4395 mm, विड्थ है 1818 mm, हाइट है 1640 mm, व्हील बेस है 2636 mm, कर्ब वेट है 1537 kg। इसे जो कंट्रोल्स है इंफोटेनमेंट सिस्टम के, वो इधर आप देख सकते हैं, इससे आप चेंज कर सकते हैं कोई भी मतलब FM स्टेशन। और ये काफ़ी अच्छी है, मतलब थोड़े से आपको टाइम लग रहा है यूज़ करने के लिए, इससे आप वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, सॉरी दूसरे वाले से आप वो चेंज कर सकते हैं FM स्टेशन। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है 5 inch का यूथ नेट टच स्क्रीन, ये जीप ने ऐड किया है स्पोर्ट्स प्लस में। जी हाँ, काफ़ी ठीक है इस प्राइस में, पर और भी काफ़ी फीचर्स इसके अंदर ऐड हो सकते थे, पर आपके पास अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आप लॉन्गिट्यूड लीजिए या उससे ऊपर वाले मॉडल, ये भी काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। 4 speakers है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, तो इस 4 speakers से वाइज 4G मतलब 4 speaker के लिए साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीचे आपको मिलती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद डिस्प्ले, ये इसमें ऐड हुआ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले वाली जीप जो स्पोर्ट्स में नहीं आता था, ये अभी ऐड हुआ है और काफ़ी अच्छा है, ये होना चाहिए था, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलर, काफ़ी एक अच्छी बात है इस प्राइस के लिए। और आपको मतलब फ़ोन रखने की जगह मिल जाती है। और इधर आप देख सकते हैं 6-speed मैनुअल है, डीजल है ये, आपको ऑटोमेटिक सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है। आपको जीप ने प्रोवाइड करा इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस के लिए। आर्मरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डीप है इस मतलब अच्छा साइज़ में, 2 cup holders है आपके पास सेंटर कंसोल में, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आप कह सकते हैं डिसेंट साइज़ है। आपको इधर बीच में फर्स्ट एड किट, मैनुअल्स, जो भी कुछ भी कह लीजिए, और काफ़ी अच्छा है। और क्वालिटी वाइज तो जीप सबसे ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट में 4 AC vents है, सिल्वर कलर की फिनिश दी गई है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड 2 airbags है, मैंने जैसे ही आपको बताया था, काफ़ी अच्छा लगता है। सॉफ्ट टच मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये काफ़ी एक अच्छी बात है, मुझे सॉफ्ट टच मटेरियल्स काफ़ी पसंद है इसके। और ये एकदम मतलब बेस्ट क्वालिटी है, मतलब आप कह सकते हो ना इस प्राइस में जीप की क्वालिटी बेस्ट है। इधर आप देख सकते हैं लाइट्स, रीडिंग लैंप्स, हेलोजन है फ्रंट में और रियर में, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी बात है। आपको रियर में दोनों विंडोज़ में हेलोजन लाइट्स प्रोवाइड कराई गई है, मिरर ऑटो डिम में नहीं, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते, टॉप मॉडल में है, काफ़ी एक अच्छी बात है। पहले नहीं आते थे पर इस बार आने शुरू हो चुके हैं लिमिटेड प्लस में। और आपको अगर 4x4 लेनी, वो भी डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल है। इसे जो स्टीयरिंग है वो हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टेबल है, काफ़ी एक अच्छी बात है। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, इसे और भी हम सेलेक्ट कर लिए, एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है। आपको इधर मिल जाती है कंट्रोल लॉक और अनलॉक के डोर के मतलब को ड्राइवर साइड, ये भी एक अच्छी बात है। और आप छोटी छोटी डिटेल्स देखिए इसे AC के जो एडजस्ट करने वाला फ्लैप्स हो, मतलब जीप ने छोटी छोटी डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, टॉप नॉच क्वालिटी है, बेटर है, मतलब बेस्ट है इस प्राइस के अंदर। और जीप भी इसलिए जीप भी काफ़ी एक्सपेंसिव कार है, इधर आपको हेडलाइट से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स वगैरह जो भी इसमें सारे मिलते हैं। इस मॉडल में फॉग लैंप्स नहीं आते, वैसे इधर ही कंट्रोल्स है उसके भी, तो अगर आपको उसका बोनट खोलना है या लीवर है इसको आप पुल कर रहे थे तो बोनट खुल जाएगा। जैसे मैंने बोनट इसका खोला था, मुझे आवाज़ आई भी नहीं, इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी मतलब नॉर्मल कार्स में है। डेड पेडल आप देख सकते हैं। तो चलते हैं बारे में, मैं बताता हूँ आपको इस इंजन की स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको मिलता है जीप का मल्टी जेट टर्बो चार्ज 200 cc 4-cylinder DOHC जो जनरेट करते हैं 171 bhp एंड 350 Nm का टॉर्क। माइलेज है डीजल में 17.1 kmpl एज पर एस ARAI और पेट्रोल मैनुअल में 14.3 kmpl एज पर एस ARAI।
अगर आप उसे टॉप मॉडल का रिव्यू देना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेड प्लस का। मैं बात करता हूँ उसे कलर ऑप्शन से, तो सिक्स कलर ऑप्शन है, हाइड्रो ब्लू, मिनिमल ग्रे, मैग्नीशिया ग्रे, एक्जोटिका रेड, वोटल वाइट, ब्रिलियंट ब्लैक, और टॉप मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाती है। इसे इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, डीजल इंजन होने के बावजूद आप जैसी कार को ऑन करते आपको पता भी नहीं चलता, काफ़ी अच्छा है। और जीप हाईएस्ट पावर प्रोड्यूस करती है अपनी सेगमेंट में, जी हाँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में जीप हाईएस्ट पावर प्रोड्यूस करती है। इसका प्राइस है इस वाले मॉडल का 19.11 लाख ऑन रोड चंडीगढ़, शुरू हो जाती है 17.39 लाख से बेस मॉडल, और टॉप मॉडल है 26.26 लाख। ये मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बताया है चंडीगढ़। इसे चाबी है पीछे, जीप की ब्रांडिंग देख सकते हैं, लॉक अनलॉक की आपको सिर्फ इसमें फंक्शंस है, फ्लिप की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई आप चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको तो जीप कंपस कैसे लगी। जय हिंद।